अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज ही मैं आपके लिए बहुत ही घरेलू रेमेडी लेके आई हूँ, उपटन लेके आई हूँ आपके लिए, आप लोगों की फरमाइश पे, कि कोई ऐसे चीज़ हमें बताएं कि जो घर की चीज़ों से ही हम रेमेडी बना के इस्तेमाल कर सके। जो कॉलेज जाती हैं बच्चियाँ, जो यूनिवर्सिटी में जाती हैं और जो जॉब करती हैं, जिनको अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता, पार्लर जाने का टाइम नहीं होता, जिनके पास क्रीमें लगाने का टाइम नहीं होता, उनकी बहुत ज़्यादा, जिनकी रफ़ स्किन हो जाती है, ड्राई हो जाती है, वो दो टोन स्किन हो जाती है, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है उपटन। ये उपटन आपकी स्किन को वाइट करेगा, ब्राइट करेगा, और बिल्कुल घर की घरेलू चीज़ों से ही हम बनाएंगे, कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं बनेगा। ये बिल्कुल घर की किचन में ही चीज़ें मौजूद होती हैं हमारे, जो जिससे हम उपटन बनाएंगे। तो जी बहुत अच्छा है और बेस्ट उपटन है ये। रात को 15-20 मिनट तक हमने फेस पे लगाना है, और सुबह के टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो सुबह को लगा लें, रात को लगा लें, जिस टाइम भी लगाएंगे आपकी बहुत ज़्यादा स्किन ब्राइट होगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी और दाग धब्बे ख़त्म होंगे। तो जी उपटन बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बॉल लेंगे हम, उसके अंदर हमने डालना है जी 1 चम्मच बेसन। 1 चम्मच बेसन का ऐड करेंगे। बेसन हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है, नीट करता है, हमारी स्किन के ऊपर से डस्ट को ख़त्म करता है, जो हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा डस्ट दो टून हुई होती है उसको ख़त्म करता है। और इसके अंदर जी हम लेमन डालेंगे, लेमन में विटामिन सी होता है, ये तो जी आप सबको पता है, विटामिन सी हमारी स्किन को बहुत अच्छा होता है। इसके हमने थोड़ा सा हमने डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, सर्दियाँ हैं तो इस हिसाब से हमने थोड़ा सा डालना है। और उसके बाद जी हमने डालनी इसमें हल्दी, इतनी सी हमने हल्दी डालनी है जी। हल्दी का आप सबको पता है सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, जो हल्दी होती है वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा नीट करती है, छाइयों को ख़त्म करती है, दाग धब्बों को ख़त्म करती है। हल्दी तो इतनी अच्छी होती है कि दूध में डाल के पिए अगर तो वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा वाइट करती है। उसके बाद जी हमने डालना है इसमें एलोवेरा जेल, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट वाला डाल सकते हैं। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को स्मूथ बनाएगा, शाइन बनाएगा। और क्लींजिंग का डालें, ग्लैसलीन डालेंगे इसमें, ग्लैसलीन जो है हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, ड्राइनेस को ख़त्म करेगी और स्किन को ग्लो करेगी। तो जी इसमें रोज़ वाटर डालेंगे, रोज़ वाटर क्लींजिंग का काम करता है जी, ये भी हमने 1 चम्मच रोज़ वाटर डाला इसमें। ग्लैसलीन अगर आपकी बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है तो आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप आधा चम्मच डाल सकते हैं। और ये जी कच्चा दूध है, थोड़ा सा हम इसमें कच्चा दूध डालेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। ये हमारा बहुत अच्छा उपटन तैयार हो गया जी। उपटन तो हमारा जी आप लोगों को पता है जी सदियों से चला आ रहा है, शादी ब्याह के मौक़ों पर दुल्हनों को लगाया जाता है। ये आप पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हैं, हाथों पे, पाँव पे, टांगों पे, गर्दन के पीछे जो अब ब्लैक हुई होती है गर्दन, उधर भी हम अच्छे से इसको लगा के छोड़ सकते हैं जी, मसाज करना है इसका और नीट हो जाएगी हमारी स्किन। अगर आप रोज़ नहीं लगा सकते तो जिस दिन आपने शावर लेना तो शावर लेने से पहले आप इसका इस्तेमाल करें, पूरी बॉडी पे आप इसका इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जी इसके। और ये जी हमारा तैयार हो गया उपटन, इसको हमने सर्कल मोशन में लगाना है, रगड़ रगड़ के नहीं लगाना, इसको लगा के हमने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है स्किन पर। जब स्किन ड्राई हो जाएगी तो पानी लेके हल्के हाथों से ऐसे सर्कल मोशन में हमने इसका मसाज करना है, 5 मिनट इसका मसाज करेंगे और उसके बाद इसको वॉश कर देंगे जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।